ये है जी यहाँ का सुबह सुबह का मनाजिर, और बहुत ही क्लाउडी क्लाउडी हुआ हुआ है। ये जगह, ये हमारी बिल्डिंग है, और ये सारा यहाँ पे तीन किस्म के इन्फिनिटी पूल्स हैं। पहला ये है, अभी फिर आगे चलते चलते मैं आपको दिखाऊंगी सारा इस कॉम्प्लेक्स का टूर। अभी फिलहाल ये देखें, मैं थोड़ी देर करूँगी यहाँ पर रेस्ट, एक बच्चे को मैं स्कूल छोड़ के। और ये देखें जी पेट्रोनस टावर्स यहाँ से दिख रहे हैं, वो पीछे छुपा हुआ। और ये बुर्ज खलीफा के बाद सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो लाखों जब दिख भी नहीं रही, लेकिन जहाँ अरजान स्कूल जाते हैं वहाँ से बहुत करीब से दिखती है। तो एक वीडियो होगी, वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी। खैर अभी आज आपको मैं अपने रेजिडेंस का टूर कराती हूँ। ये है जी यहाँ का दूसरा पूल, यहाँ पे है बच्चों का पूरा प्ले एरिया, आपको दिखाई देती हूँ। और ये है जी दूसरा पूल, इज़ ऑल्सो रियली नाइस, रियली बिग, रियली नाइस। यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, मैं ज़्यादा पूल की तरफ नहीं करूँगी, लोगों की प्राइवेसी इन्वेड करती होती है। और देखें यहाँ पे ग्रीनरी इतनी कुछ ज़्यादा है ना, खूबसूरत किस्म की ग्रीनरी है। ये देखें जी बच्चों का बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल बना हुआ है, लेट मी शो यू। ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत, कल यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर आई थी, बहुत ही प्यारा था। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है, ये पूरा बारबेक्यू एरिया है। हम इस तरफ को चलते हैं, यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, ये भी सारा पूरा पार्क है बच्चों का, और सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा गया है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी उन्होंने चीज़ों को माइंड में रख के पार्क भी बनाए हुए हैं। ये देखें, नॉट इवन ऑटिस्टिक बट जनरली बच्चों के लिए। ये चेक व्यू तो आपको कोने कोने से मिलेगा, ग्रीनरी आपको हर कॉर्नर में मिलेगी, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। यहाँ से आपको मैं आगे लेके चलती हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये चेक करें, ग्रीनरी आपको ऐसे दिखेगी। ये देखें ग्रीनरी एवरीवेयर, वेरी ब्यूटीफुल। ये जी कनेक्टिंग टावर है, ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करता है इस साइड ऑफ द बिल्डिंग्स को इस साइड ऑफ द बिल्डिंग्स। आई थिंक ये डी और ई है, सी डी और ई है, ये वाली ए और बी है। ये पूरा जिम है, जिस दिन मैं जिम गई आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये यहाँ पे एक और बारबेक्यू कॉर्नर है, एक पहले था, एक ये बारबेक्यू एरिया है। ये बी साइड का है, वो सी डी ई का है। ये एक और बच्चों का पार्क स्विमिंग पूल है, ये भी शैलो है। ये जी यहाँ पे जिम है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये आ गया जी बड़ा पार्क पूल, वो पार्क जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अब हम यहाँ से चलते हैं, चलते हैं। ग्रीनरी तो फूट फूट के इन्होंने यहाँ पे भरी हुई है, खूबसूरत। ओए क्यूरी, ना भी चाह रहे हो तो आपको वॉक करने की जगह मिल जाती है। इतना खूबसूरत, ये भी बच्चों के लिए कॉर्नर बनाया हुआ है। ये एक सेंट्रल सिटिंग स्पेस है, पूरी ग्रीनरी देखें, हर जगह ग्रीनरी है, सो फ्रेश एयर एट ऑल टाइम्स। ये मैनेजमेंट ऑफिस है, यहाँ से ऊपर जाएं तो कोवर्किंग स्पेस शुरू हो जाता है, लेडीज जिम भी ऊपर है, प्री फंक्शनल हॉल, सिनेमा भी ऊपर है। अभी मैं सिनेमा की तरफ गई नहीं हूँ, खैर ये जिम है, बहुत खूबसूरत। यहाँ से ये एक कनेक्टिंग वॉशरूम है, एक और सिटिंग स्पेस है, ये ऊपर ये चीज़ें वो भी हम देखेंगे। फिलहाल ये सारा यहाँ पे सिटिंग स्पेस है, ठीक है। यहाँ से हम अगर जाएंगे तो हम अपने उसकी तरफ चले जाएंगे, तो अभी मैं यहाँ पे बैठूँगी थोड़ी देर और चिल करती हूँ। चलिए चलिए, मैं ऊपर आ गई हूँ। ये सारा हॉलवे है जहाँ अपार्टमेंट्स होते हैं, और यहाँ से आपको अंदर जाके दिखाती हूँ।
से हम लोग अपने सारे शूज़ बाहर उतारते हैं ताकि जर्म्स ना लगें बाहर वाले अंदर, और घर वाले चप्पल पहन लेंगे, ठीक है ना। ये बच्चों की जो भी रखी है अंदर चलते हैं। बस अंदर का एरिया अभी अजान को जो नाश्ता कराया था इसलिए ज़रा ऐसे, ये यहाँ पे किचन एरिया है। क्योंकि हम रह रहे हैं तो फिर जाहिर ऐसे ही होगा। ये यहाँ से व्यू आता है और ये कुछ व्यू आता है। सो जो पूल साइड थी वो बिल्कुल बैक साइड है और ये इस साइड पे है। खलीफा फर्मी, मतलब मैं जितना भी दूर चली जाऊँ